तो दोस्तों आज आपको पैंट की नाप लेना हम सिखाएंगे। तो फटाफट से हम नाप ले लेते हैं। सबसे पहले जहां से पैंट बांधनी हो वहां पर पैंट रोक लेना है और फिर लेंथ की नाप लेनी है। इस तरीके से नीचे टेप को रखना है और नीचे तक देख लेना है कितनी कस्टमर पैंट पहने हैं, वहां तक हमें लेंथ की नाप ले लेनी है। ठीक है, कितनी आ रही? 38 इंच। ठीक, उसके बाद हमें कमर की नाप लेनी है। ठीक है, तो ये 35.5 इंच कमर आई। कमर के बाद हमें हिप की नाप लेनी है। देखिए इस तरीके से हिप एकदम ज्यादा टाइट नहीं नापना है, हल्का ढीला कर दीजिए, हल्का ढीला। ठीक है, 38.5 इंच। ठीक, तो हमारी 35.5 कमर हो गई, 38.5 हिप हो गई। नंबर कितनी थी? 38 इंच। अब इस थाई की नाप लेनी है। थाई को इस तरह रखना है, जो पैंट पहनी है देखिए इस तरीके से खींच के देख लेना है। 24 इंच तैयार आ रही है। उस इस तरीके से मोहरी देख लेनी है, कितनी मोहरी है। ये पैंट एकदम परफेक्ट है, इसलिए सेम इसी तरीके पैंट बनेगी। 13.5 इंच की मोहरी है। बस एक काम और रह गया है, देखना है कि फ्लाई हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी फ्लाई आ रही है। इस तरीके से पकड़ लेना है और देखना चैन की सिलाई कहाँ तक लगी है। तो चैन जो हमारी रेडी है 7.5 इंच पर रेडी है। इतनी पैंट की नाप लेनी है और उसके बाद आपकी पैंट कितनी परफेक्ट तरीके से कटिंग हम सिखाएंगे आपको। आइए चलते हैं, कटिंग करते हैं।